असलाम नाज़रीन, मुगलों ने जो किले तामीर करवाए हैं उनमें महल्लात, बागात और दीगर ऐसी चीज़ों के साथ साथ जो तीन अहम चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो हैं दीवान आम, दीवान खास और मसाजिद। मसलन लाहौर के किले में, मुगलों के किले में हम देखें तो उन्होंने तकरीबन जितने भी किले तामीर करवाए उनमें दीवान आम, दीवान खास और मसाजिद में अहम किरदार अदा किया है। आगरा और दिल्ली के किले में दीवान आम और दीवान खास के साथ साथ मोती मसाजिद बहुत मशहूर है। और यही किस्सा कुछ लाहौर के किला के बारे में है, इसमें भी दीवान आम, दीवान खास और मोती मस्जिद अपना अहम मुकाम रखते हैं। इस वक्त जहां हम बैठे हैं ये दीवान खास की क्वाड्रेंगल है, या इसे आप शाहजहानी गोशा भी कह सकते हैं। जैसा कि तकरीबन तमाम मुग़ल किलों की ये मिसाल रही कि हर किले में एक दीवान आम और एक दीवान खास होता था, इस किला यानी शाही किला लाहौर का ये दीवान खास है जिसे अकबर ने तामीर करवाया। कुछ मौर्रखीन इसे बारादरी का नाम देते हैं, जो दरअसल एक गलत बयानी है। बारादरी से इसका कोई तलक नहीं था, बल्कि यहाँ शाहजहाँ अपने उमरा के साथ मशवरा करता था और जो हुकूमत की अहम बातें होती थी वो यहीं तय पाती थीं। इस इमारत से हमें शाहजहाँ के दौर की जो फन तामीर है उसके आगाज़ की निशानी मिलती है। और ये है किले का वो हिस्सा जो न सिर्फ शाहजहाँ के दौर का अरूज है बल्कि इस किले की जो तारीख है उसका भी अरूज है। मैं इस वक्त तालाब के, इस सहन के तालाब के वस्त में बैठा हूँ। ये तालाब जो एक वसी मैदान के वस्त में है, इसकी दो अतराफ पे इंतहाई खूबसूरत इमारत हैं। मसलन मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि शीश महल की इमारत है, जो आज भी दुनिया के अजूबों में से एक तसव्वुर की जाती है। मेरी दाएं जानब नौलखा की इमारत है, जो अपनी खूबसूरती और जिसे कहते हैं ट्रीटमेंट के लिहाज से एक लासानी बिल्डिंग है। ये मंजर जो आपके सामने है, इस वक्त आपको दाएं जानब किला की बैरूनी दीवार नज़र आ रही है और इस मंजर के बाएं जानब किला की फसील है। ये मंजर किला के अंदर से लिया गया है, लिहाजा ये फसील का अंदरूनी हिस्सा है। इसमें ना सिर्फ मुहाफ़िज़ों के चलने की जगह बल्कि मोर्चे और तोपचियों की बंदूकें रखने की जगह भी नज़र आ रही हैं। जाय बजाय यहाँ सुराख हैं जहाँ से बंदूकची बंदूकें चलाते थे। फसील और किला के दरमियान एक खाली जगह है जो बफर जोन का काम अंजाम देती थी। फसील का बहुत सा हिस्सा तो मुनहदम हो चुका है, लेकिन यह हिस्सा जो किला की शुमाली जानब वाक़ है खुशकस्मती से जू का तू मौजूद है। यह नीम हस्पताल और इमारत तारीखी लिहाज से बहुत अहम है। इसके ऊपर आप जो हिस्सा देख रहे हैं इसे समन बुर्ज, जो कि दरअसल मुसम्मन बुर्ज था, वो वाक़ा है। कभी यह खूबसूरत टाइलों से मुजयन था, लेकिन तारीख के गर्द में वो नक्श मिटा दिए हैं। इसके आगे जो बाहर की निकली हुई इमारत है उसको हम अर्जगाह कहते हैं, जहाँ बादशाह और शहजादियाँ बैठ कर दरिया का नज़ारा करती थी। आगे चलकर आपको ख्वाबगाह नज़र आती है और जो बिल्कुल नुक्कड़ पे एक इमारत वाक़िया है वो अकबरी महल या अकबरी जो हिस्सा था महल का उसका एक पहलू है। और ये है इस किले की मोती मस्जिद, ये मकातिब खाना के बिल्कुल पीछे वाक़िया है, यानी या यूँ समझिए कि दीवाने आम है, उसके मगरब में मकातिब खाना और मकातिब खाने के आगे मगरब में ये मस्जिद है।
इसे मोती मस्जिद कहते हैं। इसके बारे में दिलचस्प बात यह है कि मुगलों ने जो अहम किले तामीर करवाए, जिनमें दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला और ये लाहौर का किला, इन तीनों में एक एक मोती मस्जिद वाक़ है। लेकिन अगर इस मस्जिद की हम डेकोरेशन पर निगाह दौड़ाएँ तो ये महसूस होता है कि जो दिल्ली और आगरा में मोती मस्जिद बनाई गई वो इससे बेहद खूबसूरत थी। और हम किला लाहौर के मकातिब खाने को देखने जा रहे हैं। अवलिन और सबसे पहले मैं आपको इसका महल वकूअ बता दूं। इसके शुमाल में शाहजहानी ख्वाबगाह है, जबकि जुनूब में एक खुला मैदान है और आजकल किला लाहौर के दफातर वहीं कायम हैं। इसके मशरक में दीवान आम और मस्जिद दरवाज़ा है, जबकि इसके जुनूब इसके मगरब की जानब मोती मस्जिद इस इमारत के साथ जुड़ी हुई है। किला लाहौर का मकातिब खाना ना तो एक स्कूल था और ना ही ये लाइब्रेरी थी, बल्कि इसमें वो दफातर कायम थे जो किला लाहौर के तमाम कारोबार का हिसाब किताब रखते। आता है जिसके चारों तरफ दर बने हुए हैं और ये एक इंतहाई दिलचस्प कंस्ट्रक्शन है। आइए जरा देखते हैं कि अंदर का मंजर क्या है। किला लाहौर पर एक प्रोग्राम अभी आपने मुलाजा फरमाया, हमने कोशिश की कि किला लाहौर में जितनी भी अहम इमारात हैं उनका तारुफ आपसे कराएं। फिर भी मुमकिन है कि कुछ अहम पहलू, कुछ अहम हिस्से और कुछ अहम इमारत का तज़किरा ना हुआ हो। यह दरअसल एक तारुफी प्रोग्राम था। आइंदा प्रोग्रामों में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि किला की हर अहम और गैर अहम इमारत का आपसे तारुफ कराएँ, उसका भरपूर तस्करा करें, उसकी तारीख आपको बताएं और उसके बनाने में जो सामान और मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उसका जिक्र हो, उसकी जो आरायश है उसका तस्करा हो और इन इमारात पर जो बैरूनी असरात हैं उनका भी जिक्र हो। इजाज़त चाहता हूं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।